वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टिप्स एजुकेशन। आज हम लोग बात करेंगे फूड चैप्टर के आगे पॉइंट्स के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने ईवीएस के फूड चैप्टर को देखा था, पढ़ा था, कुछ जो है पॉइंट्स को किया था। आगे आज जो है हम लोग उसी फूड चैप्टर को करने वाले हैं इस वीडियो में कवर। ठीक है, पसंद आए वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे चैनल के माध्यम से लाइव क्लासेस और साथ ही साथ रिकॉर्डेड क्लासेस भी कराई जाती है जेटेट, सीटेट और अदर टेट के लिए। ठीक है, तो अगर आप इसका नोट्स चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल है, आप वहां ज्वाइन करके नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, पसंद आए वीडियो तो और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें, वीडियो को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो करना चाहते हैं तैयारी वो अच्छे से कर सकें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोगों ने उस वीडियो में तना तक देखा था, अब हम लोग उसके आगे पॉइंट्स को देखते हैं। बात करते हैं पत्तियों की। पत्तियाँ भोजन उत्पादक मानी जाती है और कई प्रकार की पत्तियों का प्रयोग हम अपने भोजन के रूप में करते हैं, जैसे पालक, मेथी, सरसों, धनिया आदि पोषक तत्वों से भरपूर पत्तियाँ हैं जिनका प्रयोग हम अपने भोजन के रूप में करते हैं, भोजन के रूप में इनको लेते हैं। फोर्थ पॉइंट है फल। फ्रूट फल पुष्पों के परिपक्व अंडाशय है। ठीक है, क्या है फल, याद रखिएगा, पुष्पों की परिपक्व अंडाशय को फल कहा जाता है। फलों को सामान्यतः कच्चा खाया जाता है। फलों में विटामिन, खनिज तथा शर्करा जो है प्रचुर मात्रा में अवेलेबल होती है। नींबू की अगर बात करें, संतरा की बात करें तो इसमें विटामिन सी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। याद रखिएगा, विटामिन सी नींबू और संतरा में पाया जाता है। फल यह फल गुदेदार और सूखे दोनों प्रकार के यानी दोनों के रूप में पाए जाते हैं। अगर हम बात करें आम, केला, सेब, पपीता, अंगूर, लीची एक्सेट्रा, जो भी गुदेदार फल है इसी कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, फल के कैटेगरी में, गुदेदार फल के कैटेगरी में, और यह रसीले भी होते हैं, साथ ही मीठे तो होते ही हैं। सूखे फलों की बात करें तो उसमें बादाम, काजू आदि सूखे मेवे हैं यानी ड्राई फ्रूट्स में ये कैटेगरी में इनको शामिल किया गया है। कुछ फलों का प्रयोग मसालों के रूप में भी होता है, कुछ फलों का प्रयोग पेय पदार्थ, जूस आदि के लिए किया जाता है। ठीक है, अंगूर का फल जो है शराब बनाने के काम में भी लाया जाता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। फाइव पॉइंट्स में अगर देखें तो बीज, बीजों से प्राप्त भोजन में गेहूं प्रमुख है। ठीक है, गेहूं जो है वो बीजों के रूप में यानी कि उसके कैटेगरी में रखा गया है गेहूं को। ठीक है, जो हम घास द्वारा प्राप्त करते हैं। गेहूं व मक्का कई राज्यों का प्रधान भोजन भी यहाँ पे बताया गया है होता है। इसी अनाज से ब्रेड, पास्ता, नूडल्स आदि पदार्थ भी बनते हैं। गेहूं में याद रखिएगा कार्बोहाइड्रेट की मात्रा बहुत अधिक होती है, साथ ही साथ प्रोटीन, विटामिन और खनिज भी पाए जाते हैं। भारतीय भोजन में प्रमुख रूप से प्रयुक्त होने वाले अनाज चावल, गेहूँ, मक्का, ज्वार आदि जो है फलीदार पौधों के बीज होते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो अनाज को रखा गया है हमारे भोजन में और सेकंड में दाल है, और दाल जो है वो प्रोटीन से प्रचुर मात्रा में भरी हुई होती है, ये तो पता ही होगा सबको, है ना। चलिए, बीजों का विभिन्न रूपों में भोज्य पदार्थ यहाँ कैटेगरी वाइज दिया गया है जिसको हम लोग अपने आहार में जो है शामिल करते हैं। तो अनाज की बात करें तो अनाज की कैटेगरी में चावल को, गेहूँ को, मक्का, बाजरा को रखा गया है। फली दार और दालें की बात करें तो उसमें सोयाबीन, काले चने, मटर, सेम, ये जो है आपको पता होगा डाइकोटिलेडन, चना, मटर, सेम, ये सब है उनकी कैटेगरी में आते हैं, दालों की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो वो इसमें रखा गया है। सूखे मेवे की बात करें तो काजू, मूंगफली, अखरोट, बादाम एक्सेट्रा बहुत सारी चीज़ें हैं जो सूखे मेवे के अंतर्गत आती है। मसाले अगर देखें तो सरसों, जीरा, सौंफ, मेथी आदि क्या होती है, मसाले की कैटेगरी में है। ठीक, अब आगे की देखते हैं। सिक्स में सब्जियां हैं, तो सब्जियां जो पोषक तत्वों से भरपूर मानी जाती है। ठीक है, विभिन्न भागों में, पौधों के विभिन्न भागों में से प्राप्त होती है सब्जियां। पौधों के कुछ भाग जैसे जड़ें, तना, पत्तियां तथा फल सब्जी कहलाती हैं। कुछ सब्जियों का कच्चा तथा कुछ को पकाने के बाद खाया जाता है। सब्जियाँ खनिज, विटामिन तथा रुक्षांश की अच्छे स्रोत हैं। जड़ के रूप में प्राप्त होने वाली सब्जियाँ गाजर, मूली, शकरकंद आदि हैं। ठीक, तो ये तो बात होगी सब्जियों की, अब हम आगे देखते हैं। चलिए, हम लोगों ने जिस तरह से पिछला वीडियो में देखा था कि भोज्य पदार्थ जो है हमें दो तरीके से मिलते हैं, एक पौधों के द्वारा, दूसरा एनिमल के द्वारा, जंतु के द्वारा। तो पौधा का सेक्शन जितना था, सिक्स पॉइंट हम लोगों ने देख लिया जो इम्पोर्टेंट पॉइंट थे। अब हम बात करेंगे एनिमल प्रोडक्ट की, जंतु उत्पाद की। ठीक है,
चलिए इसमें क्या कुछ खास है उसको देखते हैं। मनुष्य पौध भोजन के लिए पौधों के साथ साथ जंतुओं पर भी निर्भर रहती है, ठीक है। मांस एवं अंडों के अतिरिक्त जंतुओं से हमें और भी खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं। तो क्या क्या प्राप्त होते हैं, देखिए जैसे बकरी गाय और भैंस से हमें दूध मिलती है, कबूतर मुर्गी से उनका जो है पक्षी का मांस मिलता है, अंडा भी मिलता है ना, मछली शहद मधुमक्खियों से तैयार की गई हुई पदार्थ होती है, ठीक है, तो ये मिलती है। जंतुओं का मांस भी आहार के रूप में खाया जाता है। दूध तथा दूध से बने पदार्थ, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, गाय भैंस तथा बकरी दूध प्रदान करने वाले पशु हैं। दूध एक ऐसा पदार्थ है जिसमें संपूर्ण आहार, जिसे जो है संपूर्ण आहार माना जाता है, क्योंकि इसमें जो है सभी आवश्यक तत्व उचित मात्रा में पाए जाते हैं। अगर हम बात करें रेगिस्तान में ऊँट का दूध बहुत ही अधिक प्रयोग किया जाता है और ये बहुत ही उपयुक्त भी माना जाता है, ठीक है। भैंस के दूध में जो है वसा की मात्रा याद रखिएगा बहुत अधिक होती है। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग। मांस तथा अंडे प्रदान करने वाले पशु, मीट एंड इट्स प्रोवाइडिंग एनिमल्स, बकरी भेड़ सुअर, बकरी भेड़ सुअर मछली मुर्गी आदि जानवर मांस देने वाले पशु हैं, ठीक है। मांस प्राप्त होती है उनसे, हमें इनमें से मांस की प्राप्ति होती है जो भोजन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है। बकरी के मांस को मटन कहते हैं जो बहुत प्रसिद्ध है। समुद्र के निकटवर्ती क्षेत्रों में लोग, आप लोगों ने देखा होगा झींगा केकड़ा आदि जो है अपने भोजन के रूप में वो खाते हैं, यानी कि मांस के रूप में खाते हैं, ठीक है। मुर्गी बतख की बात करें तो अंडों के वो प्रमुख स्रोत हैं, उनसे हमें अंडा प्राप्त होता है, ठीक है, और साथ साथ मांस भी मिलते हैं। अंडों में प्रोटीन की मात्रा बहुत अधिक होती है, याद रखिएगा अंडे के पीले रंग का जो भाग होता है उसमें प्रोटीन बहुत अच्छी कहे तो मात्रा में उपलब्ध होती है, साथ ही साथ वसा तथा लिपिड की मात्रा भी अधिक होती है, और उसके सफ़ेद भाग में भी प्रोटीन की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। अगर हम बात करें शहद की, तो ये तो मधुमक्खियों के द्वारा तैयार की जाती है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है मधुमक्खियाँ फूलों से मकरंद एकत्रित करती है, वे इसे अपने छत में भंडारित करती हैं। फूल तथा उनका मकरंद वर्ष के केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होती हैं, जब वो उनको जो है शहद के लिए बनाती हैं। शहद का औषधीय मूल्य है, यानी कि शहद का प्रयोग औषधि के रूप में भी किया जाता है। जनरली आप देखे होंगे खांसी सर्दी के रूप में ये बहुत ही उपयुक्त और कारगर दवा साबित होता है, ठीक है। इसको ले लेने से क्या होगा, प्रॉब्लम खत्म हो जाती है, खांसी हो या सर्दी हो, ठीक है। शहद जल शर्करा खनिज तथा एंजाइम से यहाँ पे आप देखिएगा निर्मित होता है, यह रोगनाशक है, रोगाणुनाशक है तथा सरलता से पचने वाला पदार्थ है, ठीक। चलिए बात ये होगी यहाँ तक कि अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। जंतु का भोजन, एनिमल्स फूड्स, जंतु अपने भोजन का उत्पादन स्वयं नहीं करते हैं, ठीक है। वे जीवित रहने के लिए किसी दूसरे पर आश्रित रहते हैं, यानी कि पौधे पर आश्रित रहते हैं अपने भोजन के लिए, कौन, जंतु। इसलिए जंतु को उपभोक्ता तथा पौधे को उत्पादक कहते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि जंतु जो है वो उनके द्वारा उपयोग किए जाने वाले भोजन के आधार पर निम्नलिखित भागों में उनको बांटा गया है, ठीक है। जैसे कि हर्बीवोरस की बात करें शाकाहारी की, तो वैसे जंतु जो पौधे तथा उसके अंग को, पौधे के विभिन्न भागों को अपने भोजन के रूप में जो है लेते हैं, तो वो शाकाहारी जंतु कहलाते हैं। जैसे गाय भैंस बकरी हिरण आदि शाकाहारी जीव है, ठीक है। सेकेंड की बात करें तो कार्निवोरस यानी मांसाहारी, कुछ जंतु भोजन के लिए जो है अन्य जीव पर आश्रित होते हैं, या फिर उनके जैसे कि उनके मांस को खा के अपने जो है उनके मांस को खा के जो है क्या करते हैं, अपने भोजन को दिनचर्या में लेते हैं, ठीक। अब बात करेंगे हम लोग ओमनीवोरस, जो पशु पौधे अथवा पौधों से प्राप्त उत्पादन तथा अन्य जानवरों के मांस को भी खाते हैं। ओमनीवोरस मतलब हो गया सर्वाहारी, जो सब पौधे तथा भोजन मतलब बात करें तो जंतु को भी भोजन के रूप में दोनों को लेते हैं, ठीक है, तो वो सर्वाहारी ओमनीवोरस कहलाते हैं। परजीवी की बात करें तो पैरासाइट, इसमें जो पशु अपना भोजन अन्य जीवों के द्वारा पचाए गए भोजन से प्राप्त करते हैं परजीवी कहलाते हैं।
परजीवी जो है वो एक कोशिकी भी हो सकती है या बहुकोशिकी, दोनों रूप में ये पाई जाती है। उदाहरण के लिए आप समझ सकते हो, यहाँ दिया गया है गोल कृमि, फीता कृमि, जू, मलेरिया, पैरासाइट आदि जो है परजीवी है। परजीवी अन्य प्राणियों के शरीर के भीतर में रहते हैं और उन्हीं से भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, 5 की बात करें तो डिकम्पोजर, मृत जीवी, जो पशु अपना भोजन मृत तथा अपघटित जैविक पदार्थों से प्राप्त करते हैं मृत जीवी कहलाता है। जैसे लैक्टोबैसिलस एसिटोबैक्टीरिया मृत जीवी है, यानी कि वैसा जीव, ठीक है, वैसा जीव जो अपना भोजन किसी मरे हुए, जैसे कोई जीव मर गया है और अब वो 2-3 मरने के बाद क्या होता है, उसका शरीर सड़ने गलने लगता है, तो फिर आप देखेंगे कुछ समय बाद उसमें कीड़े मकोड़े जो है लग जाते हैं और फिर वो उनको खा के जो है वहाँ पे क्या कर देते हैं, वहाँ पे साफ कर देते हैं, उनको अपने भोजन के रूप में ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, एक तरह से इसको पृथ्वी की सफाईकर्ता के रूप में भी मृत जीवी को माना जाता है। ठीक है, क्योंकि ये साफ करने का काम करता है, किसी भी सड़े गड़े जीव या कोई भी मतलब पदार्थ को ये क्या करते हैं अपने भोजन के रूप में लेके फिर वहाँ से जो है गंदगी को वो साफ कर देते हैं। चलिए, भोजन के अवयव, फूड्स एलिमेंट्स, इसमें हम भोजन की जनरली अवयव को देखेंगे, जैसे प्रोटीन, ठीक, विटामिन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज, जल, ये सब क्या है, ये सब है भोजन के अवयव। तो बात करते हैं हम लोग कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट सामान्य ऊर्जा देने वाला तत्व है। ये क्या क्या चीज़ से बना होता है, याद रखिएगा, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। ठीक है, भोजन में पाए जाने वाला मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड और शर्करा के रूप में उपस्थित होते हैं। यह ऊर्जा का सबसे साधन सस्ता है, सस्ता साधन है। ठीक है, ये अनाज, आलू, चावल इत्यादि में कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कार्बोहाइड्रेट के बस जो है इसके प्रकार को देखते हैं, टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट जो है, ठीक है, ये 3 प्रकार के होते हैं, मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, ठीक है, और एक थर्ड है पॉलीसैकेराइड्स। तो अगर हम बात करें ये मोनोसैकेराइड्स की, तो ये सभी कार्बोहाइड्रेट में सबसे अधिक सरल होता है। इसका आधारभूत सूत्र अगर देखें तो CH2ON होता है, याद रखिएगा, CH2ON मोनोसैकेराइड्स के सूत्र है। ठीक है, अगर हम बात करें इसके उदाहरण की, तो ट्रायोस में जो है ये ग्लिसरेलडिहाइड आते हैं। टेट्रोस की बात करें, टेट्रोस की, तो इरेथ्रोस जो है ये इसमें इस कैटेगरी में आएंगे। हेक्सोस की बात करें तो ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज, ये क्या है, मोनोसैकेराइड्स के उदाहरण है। अब हम चलते हैं आगे डाइसैकेराइड्स की और बढ़ते हैं। ये मोनोसैकेराइड्स के 2 अणुओं से मिलकर बना होता है। डाई का मतलब होता है 2 और सैकेराइड्स का मतलब होता है सैकेराइड्स, यानी कि 2 अणुओं से, मोनोसैकेराइड्स के 2 अणुओं से मिलकर डाइसैकेराइड्स का निर्माण होता है। इसका आधारभूत जो सूत्र है C2H22O11 होता है। ठीक है, सुक्रोज, माल्टोज आदि जो है डाइसैकेराइड्स के प्रमुख उदाहरण हैं। ठीक है, मोनोसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स की अगर हम बात करें तो यह अनेक मोनोसैकेराइड्स अणुओं के मिलने से बनता है। पॉली मतलब होता है बहुल, बहुत ज़्यादा। ठीक है, यानी कि एक या एक दो से अधिक, ठीक है, मोनोसैकेराइड्स के अणुओं से मिलकर बने हैं। इसका आधारभूत सूत्र 6H11O5N होता है। यह जल में अघुलनशील होता है, यानी कि जल में नहीं घुलता है, मुख्यतः पौधों में पाया जाता है। आवश्यकता पड़ने पर यह जल अपघटन द्वारा ग्लूकोज में भी विघटित हो जाती है। इस प्रकार ये ऊर्जा उत्पादन के लिए कहे तो संग्रहित ईंधन का कार्य करती है। संग्रहित ईंधन का कार्य कौन करती है, पॉलीसैकेराइड्स, मंड, स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलस, काइटीन आदि पॉलीसैकेराइड्स के प्रमुख उदाहरण हैं। ठीक है, क्वेश्चन में आ भी सकता है, जैसे पूछ देगा स्टार्च जो है वो कौन से कार्बोहाइड्रेट्स के प्रकार में आते हैं, तो पॉलीसैकेराइड्स में, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, ये सब क्या है, ये पॉलीसैकेराइड्स के उदाहरण हैं। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, जल्दी से जल्दी हम लोगों को जितने भी होंगे टॉपिक्स कवर करने हैं ताकि फिर तैयारी अच्छे से समय से हो पाए। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स के कार्य, फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स।
भोजन के एक अति आवश्यक तत्व के रूप में कार्बोहाइड्रेट शरीर में विभिन्न महत्वपूर्ण कार्य करता है। ठीक, ऊर्जा प्रदान करने का कार्य कार्बोहाइड्रेट, देखेंगे फंक्शन क्या कार्बोहाइड्रेट शरीर में कार्य करने में जो है सक्षम है। तो ऊर्जा प्रदान करता है ये कार्बोहाइड्रेट का शरीर में सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य शरीर के विभिन्न भागों के लिए आवश्यक ऊर्जा देना होता है। बात करें कार्बोहाइड्रेट सबसे महत्वपूर्ण क्या काम करता है, ऊर्जा प्रदान करने का करता है। ठीक, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से शरीर में 4 किलोरी जो है ऊर्जा प्राप्त किया जा सकता है। ठीक, याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको अंडरलाइन मैंने कर दिया है। प्रोटीन की बचत में भी सहायक है, भोजन में ग्रहण किए गए कार्बोहाइड्रेट शरीर में संग्रहित प्रोटीन की बचत में भी सहायता करता है, साथ ही साथ कैल्शियम के अवशोषण में भी सहायक है। लैक्टोज के रूप में कार्बोहाइड्रेट शरीर में जो है कुछ बैक्टीरिया की वृद्धि में सहायता करता है। लैक्टोज शरीर में कैल्शियम के अवशोषण में सहायता करता है, वसा की जो है बचत में सहायता करता है, जैसे कि पर्याप्त मात्रा में कार्बोहाइड्रेट ग्रहण करने से शरीर में वसा की बचत में सहायता होती है। कार्बोहाइड्रेट वसा के अत्यधिक प्रज्वलन को रोकने में भी सहायक होता है। पाचन संस्थान को स्वस्थ बनाता है, सेलुलस नामक कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में से जो है व्यर्थ पदार्थों अर्थात मल के विसर्जन में मदद करता है। जो अनपचे भोजन के अंश जो हमारे शरीर में रह जाते हैं उसको क्या करता है, विसर्जन करने में कार्बोहाइड्रेट बहुत अधिक मदद करता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का कोई पोषण मूल्य तो नहीं है, लेकिन यह हमारे आंत्रों की मांसपेशियों की गति को नियमित रखता है, यानी कि हमारे आंत्रों में जो मांसपेशियों में गति होती है उसको सुचारू रूप से संचालन में मदद करता है कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो ये हो गया फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब हम आगे देखते हैं, ये आप देख सकते हो फिगर में, कार्ब्स यू शुड बी ईटिंग, ये हमें जरूर लेना चाहिए। ठीक है, खाने में और क्या, कितने ग्राम हमें कार्बोहाइड्रेट किन से क्या प्राप्त होगी, यहाँ पे सारा आपको यहाँ पे दिया गया है। जैसे ब्राउन राइस से 71.9 ग्राम, ठीक है, इसके बाद अदर्स जो है किडनी बीन्स से 13.4 ग्राम, ठीक है, ग्रीन पी से 8.9 ग्राम, ओट से 11.3 ग्राम, तो बहुत सारा जो है यहाँ पे, बनाना से 22 ग्राम जो है। तो कार्बोहाइड्रेट किस जो है आहार को लेने से कितना मिलता है, समथिंग कितने ग्राम आपको इस आहार में पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा, ये यहाँ पे दर्शाया गया है। चलिए, वो तो फिगर में था, अब ऐसे हम लोग अगर बात करें कुछ स्रोतों की, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कितना उसमें पाया जाता है, तो अनाज, ठीक है, अनाज में जो है, अनाज में 63 से 79 तक जो है ग्राम कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट दालें 56 से 60 हो गया, कंदमूल 22 से 39, नट्स के तेल बीज 10 से 25, शक्कर 99.4 ग्राम, साबूदाना 87.1 ग्राम, गुड़ 95.0 ग्राम। ठीक, कार्बोहाइड्रेट कमी ये अधिकता से होने वाला विकार। अब हम लोग बात करेंगे डिजीज काउज ड्यू टू लैक और एक्सेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, यानी कि क्या कमी है। ठीक है, क्या कमी है कार्बोहाइड्रेट की, कमी से क्या जो है कार्बोहाइड्रेट किस प्रकार की रोग यहाँ पे हो सकती है, क्या आहार की कमी है जिससे कि कार्बोहाइड्रेट की मात्रा घट जाती है, किस आहार की कमी से और अधिकता से कौन सा रोग होता है। ठीक है, तो बात करते हैं, अगर कमी हो जाएगी कार्बोहाइड्रेट की तो उससे भी रोग होगा, और अधिक हो जाएगा तो उससे भी रोग होगा। ठीक, तो डिजीज काउज ड्यू टू, चलिए देखते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट की अधिकता होने से उसकी वजन में, शरीर के वजन में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी, बढ़ जाएगी, साथ ही मोटापे से संबंधित रोग की भी संभावनाएं बढ़ जाती है। कार्बोहाइड्रेट की कमी होने से शरीर का वजन कम हो जाता है। ठीक है,
यानी कि अगर कार्बोहाइड्रेट अधिक होगा तो शरीर की वजन वृद्धि होगी, और अगर कम होगा तो फिर क्या हो जाएगा, उससे भी संबंधित रोग की संभावनाएं बढ़ जाती है। ठीक है, शरीर का वजन कम हो जाएगा, कार्य करने की क्षमता घट जाएगी, शरीर में ऊर्जा उत्पन्न करने हेतु प्रोटीन प्रयुक्त होने लगती है, जिससे यकृत एवं नाड़ी का जो वहाँ पे भाग है उसके क्रियाकलाप में क्या शीतलता आ जाती है, मतलब धीमी प्रक्रिया हो जाती है। तो इससे क्या होगा, शरीर में क्या हो जाएगा, शरीर बैलेंस नहीं रह पाएगा। ठीक है, तो इसलिए बैलेंस रहने के लिए इसको कहे तो एक पर्याप्त मात्रा में लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक, अब हम बात करेंगे प्रोटीन की। प्रोटीन शरीर बनाने वाले पोषक तत्व है, इसे शरीर वर्धक भोजन कहते हैं। प्रोटीन की आवश्यकता शरीर के ऊतकों को बनाने तथा उनकी मरम्मत के लिए होती है। हड्डियों और मांसपेशियों के उचित विकास के लिए भी प्रोटीन की आवश्यकता होती है। याद रखिएगा, हड्डी तथा मांसपेशी का विकास उचित रूप से हो, ये प्रोटीन की आवश्यकता जो है पूर्ति के दौरान ही हो सकती है। ठीक, मांसपेशियां, त्वचा, नाखून तथा बाल में अधिकतर प्रोटीन जो है से ही ये निर्मित होती है। इनका जो प्रोटीन में भागीदारी बहुत ज़्यादा होती है इनके निर्माण में। प्रोटीन में जो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन आदि होते हैं। याद रखिएगा, प्रोटीन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन व नाइट्रोजन के द्वारा जो है बनती है। ठीक है, प्रोटीन पौधों तथा जंतुओं दोनों से प्राप्त होता है। ठीक, पौधों से प्राप्त होने वाले प्रोटीन जंतुओं से प्राप्त होने वाले प्रोटीन से उत्तम होता है। तो यहाँ बात करें अगर कौन सी प्रोटीन उत्तम होती है, तो याद रखिएगा पौधों की प्रोटीन बहुत उत्तम होती है बजाय जंतुओं के प्रोटीन से। ठीक, 1 ग्राम प्रोटीन से जो है 4 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, हमारे शरीर में प्रोटीन का निर्माण करने वाला प्रमुख तत्व एमिनो एसिड है। मानव शरीर 20 एमिनो एसिड से बना होता है। याद रखिएगा, मानव का जो शरीर है वो 20 एमिनो एसिड से बना होता है। ठीक, अगर 20 एमिनो एसिड की बात करें तो इसका मतलब ये हुआ जैसे कि 10 जो एमिनो एसिड होता है वो हमारे शरीर में पहले से उपस्थित होता है, और 10 एमिनो एसिड हम जो है वो आहार के द्वारा जो है ग्रहण करते हैं, जिससे हमारे शरीर को मिल पाता है। ठीक, तो ये इसकी आवश्यकताओं को प्रोटीन पूर्ति करता है। ये शरीर में एंजाइम, हार्मोन्स, हीमोग्लोबिन तथा एंटीबायोटिक के निर्माण के लिए बहुत आवश्यक है। प्रोटीन क्या करता है, एंजाइम का शरीर में निर्माण करता है, हार्मोन्स की भी जो है वो निर्माण करता है, हीमोग्लोबिन एंटीबायोटिक का भी निर्माण में ये आवश्यक होता है, के लिए ये आवश्यक होता है। हाउ मच प्रोटीन, अब किसमें कितना हम लोगों को किस आहार में प्रोटीन की मात्रा कितनी मिलती है, ये हम लोग आप देख सकते हो डायग्राम में दिया हुआ है, आप देख सकते हो। ठीक है, जैसे दो ईग की बात करें तो 13.2 ग्राम इसमें प्रोटीन में पाया जाता है। ठीक, इसके बाद और भी बहुत सारे जो है आप देख सकते हो फिगर में साफ साफ दिया है। कप बीज की बात करें हम लोग बॉइल्ड में तो 4.1 ग्राम होता है। ठीक, चिकन ब्रेस्ट की बात करें तो 31.2 ग्राम। तो और भी बहुत सारे यहाँ पे दिए गए खाद्य पदार्थ, तो आप इससे पता लगा सकते हैं कि किस खाद्य पदार्थ को खाने से कितना प्रोटीन मिल सकता है हमारे शरीर को। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट्स की ओर बढ़ते हैं। प्रोटीन के संगठन, प्रोटीन के संगठन, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन अपने आप में एक कार्बनिक यौगिक है जो विभिन्न एमिनो अम्ल से बना होता है। याद रखिएगा, प्रोटीन जो है ये एक कार्बनिक क्या है, कार्बनिक यौगिक है। ठीक, जो क्या है, किस चीज से बना हुआ है, जो विभिन्न एमिनो अम्ल से बना हुआ है। ठीक, प्रोटीन में मुख्य रूप से जो है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन होते हैं। ठीक, ये तो हम लोगों ने अभी पढ़ा ही है, फिर से एक बार देख लेते हैं। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो है मुख्य अवयव प्रोटीन में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त प्रोटीन में कुछ प्रकारों में फॉस्फोरस तथा सल्फर की भी अल्प मात्रा विद्यमान रहती है, कुछ मात्रा में। ठीक है,
कुछ अंश जो है फास्फोरस तथा सल्फर की भी यहाँ पे पाई जाती है प्रोटीन में। प्रोटीन में उपस्थित मुख्य अवयव की अगर हम बात करें तो इसके अतिरिक्त प्रतिशत में इस प्रकार होती है, जैसे कार्बन 50%, हाइड्रोजन 7%, ऑक्सीजन 23%, नाइट्रोजन 16%, सल्फर 0.3% और फास्फोरस में भी कुछ अंश 0.3% की रहती है। ठीक, इसको याद रखिएगा। इसकी यहाँ पे अगर बात करें तो ये क्वेश्चन का एक रूप हो सकता है, कार्बन की कितनी मात्रा है प्रोटीन में, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, तो ये आप लोग अच्छे से कर लेना है आप लोग। प्रोटीन के प्रकार, टाइप्स ऑफ प्रोटीन, रासायनिक क्रिया के आधार पर बेस्ड ऑन केमिकल रिएक्शन। सरल प्रोटीन की अगर बात करें तो प्रोटीन की जो प्रकार है तो रासायनिक क्रिया के आधार पे सरल प्रोटीन, ऐसे प्रोटीन जो केवल एमिनो अम्ल से बने होते हैं उसको सरल प्रोटीन के कैटेगरी में रखा गया है, जैसे एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिनोइड, ग्लाइब्यूलिन आदि जो सरल प्रोटीन के अंतर्गत आते हैं। सेकंड में है संयुग्मी प्रोटीन, ऐसे प्रोटीन जिसका संयोजन प्रोटीन के अतिरिक्त अन्य किसी अणु से भी रहते हैं। प्रोटीन के अतिरिक्त ये जो है किसी अणु से, अतिरिक्त अणु से भी ये बना हुआ रहता है, संयुग्मी। संयुग्मी मतलब मिला हुआ, ठीक है, सम्मिलित रूप प्रोटीन कहलाती है, जैसे न्यूक्लियो प्रोटीन, ग्लाइको प्रोटीन, फॉस्फो प्रोटीन आदि। व्युत्पन्न प्रोटीन का बात करें अगर हम, थर्ड में क्या है, व्युत्पन्न प्रोटीन, ऐसे प्रोटीन जो प्राकृतिक प्रोटीन के आंशिक जलीय अपघटन से प्राप्त होते हैं। व्युत्पन्न प्रोटीन यानी कि जिसे प्राकृतिक प्रोटीन से प्राप्त किया जाता है जलीय अपघटन के द्वारा, वो व्युत्पन्न प्रोटीन होता है। तो ये तीन रूप रासायनिक क्या हो गया, क्रिया के आधार पे प्रोटीन का बताया गया है। ठीक, अब हम लोग साधन के आधार पर, बेस्ड ऑन रिसोर्स के आधार पर देखेंगे प्रोटीन की प्रकार। जैसे पशु जगत का प्रोटीन अगर बात करें तो समस्त पशु जगत से प्राप्त होने वाले पदार्थों में पाए जाने वाला प्रोटीन इस वर्ग में आता है। जैसे मांस में प्रोटीन रहता है, मछली, अंडा, दूध, सर्वोत्तम प्रोटीन के ये क्या है, उदाहरण है, क्योंकि इसमें सभी आवश्यक एमिनो अम्ल गुण उपयुक्त मात्रा में विद्यमान रहते हैं। ठीक, सेकंड की बात करें तो वनस्पति जगत का प्रोटीन, पशु जगत की तरह वनस्पति से प्राप्त होने वाले भोज्य पदार्थों में पाया जाने वाला प्रोटीन वनस्पति प्रोटीन कहलाता है। ठीक है, यह विभिन्न प्रकार की दालों, सोयाबीन, अनाजों और मेवों, मूंगफली आदि से प्राप्त होता है। ये वनस्पति जगत की प्रोटीन जो है दालों, सोयाबीन, अनाजों, यानी कि ये सब क्या होता है, पेड़ पौधों से प्राप्त होती है। तो इसमें जो है इन पदार्थों में प्रोटीन विद्यमान रहती है, वनस्पति जगत की प्रोटीन की अगर बात करें तो। ठीक है, चलिए अब हम आगे के पॉइंट्स को देखते हैं। अगर हम बात करें गुण के आधार पे, ठीक है, अभी जो हम लोगों ने देखा ये पहला हम लोग रासायनिक प्रकार में देखे तीन तरह की है प्रोटीन, फिर साधन के आधार पर देखे तो दो तरह का है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं गुण के आधार पर, बेस्ड ऑन प्रॉपर्टीज के आधार पर प्रोटीन के कितने टाइप्स है, प्रकार है। ठीक है, जैसे पूर्ण या उत्तम, वह भोज्य पदार्थ जिसमें सभी आवश्यक एमिनो अम्ल पाया जाता है पूर्ण या उत्तम प्रोटीन कहलाता है। इसमें सभी आवश्यक एमिनो अम्ल उत्पन्न जो है उत्तम अनुपात में विद्यमान रहते हैं, इसलिए इसको उत्तम प्रोटीन का नाम दिया गया है। इसलिए ये कोशिकाओं के बनने में भी सहायता करते हैं, जैसे शारीरिक विकास के लिए भी ये बहुत ही सहायक होता है। कौन सी, पूर्ण या उत्तम प्रोटीन, विशेषकर पशु जगत से प्राप्त प्रोटीन उत्तम प्रोटीन का उदाहरण है। ठीक है, यानी कि कहा जाता है पशु जगत से प्राप्त प्रोटीन इसमें बहुत ज़्यादा क्या है, उत्तम प्रोटीन के उदाहरण के रूप में सम्मिलित किया गया है। कुछ अगर बात करें दूध की कैटेगरी में तो दूध में पाई जाने वाली केसीन और अंडे का प्रोटीन जो है उत्तम प्रोटीन माना गया है। मांस मछली भी जो है उत्तम प्रोटीन के उदाहरण है। सोयाबीन का भी जो है उत्तम प्रोटीन के प्रकार में रखा गया है। ठीक, आंशिक रूप से पूर्ण या माध्यम, सेकंड में जो है आंशिक रूप से पूर्ण या माध्यम, यानी कि वह भोज्य पदार्थ जिसमें अथवा एक अथवा दो आवश्यक अमीनो अम्ल अनुपस्थित रहते हैं, यह माध्यम प्रकार का प्रोटीन कहलाता है। ठीक, जब केवल
इसी प्रोटीन का प्रयोग होता है तो उत्तम प्रोटीन की भांति कोशिकाओं की वृद्धि तथा विकास में पालन पोषण नहीं होता, इसलिए यदि इसी प्रोटीन को जब मनुष्य प्रयोग है तो शरीर शारीरिक बढ़वार रुक जाती है। किंतु वजन में कमी नहीं होती है। दालों में पाई जाने वाली प्रोटीन मध्यम प्रोटीन का उदाहरण है। ठीक है, इसमें जो है इसकी कमी से यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है। आप देखेंगे कि यह जो भोज्य पदार्थ में लेने वाला प्रोटीन है जिसमें एक या एक से आवश्यक एमिनो अम्ल जो है अनुपस्थित रहते हैं। ठीक है, एक अथवा दो आवश्यक अम्ल जो है एमिनो वो अनुपस्थित रहता है, इसलिए इसको मध्यम प्रोटीन के नाम से जाना जाता है। जब केवल इसी प्रोटीन का प्रयोग होता है तब उत्तम प्रोटीन की भांति कोशिकाओं में जो है वृद्धि तथा विकास का पालन पोषण नहीं होता है, इसलिए यदि इसी प्रोटीन को जब मनुष्य प्रयोग करते हैं तो शारीरिक जो है बढ़वार रुक जाता है किंतु वजन में कमी नहीं होती है। दालों में पाई जाने वाली प्रोटीन मध्यम प्रोटीन का उदाहरण है। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अपूर्ण या निकृष्ट, निकृष्ट प्रोटीन वह है जिसमें बहुत कम एमिनो आवश्यक एमिनो अम्ल होते हैं। इसमें ना तो शरीर की वृद्धि होती है, ना ही कोशिकाओं का निर्माण होता है, ना ही अन्य क्रियाएं होती है। इसका उदाहरण मक्के की जीन है। ठीक है, यदि इस प्रोटीन को अन्य उत्तम तथा मध्यम प्रोटीन के साथ मिलाकर प्रयोग किया जाए तो यह उपयोगी बन सकता है। रोटी के साथ दूध, इसे प्रोटीन का संपूरक मान सकते हैं। यानी कि बोला जाता है अगर इसका प्रयोग यानी निकृष्ट है, यानी कि कहें तो इसमें ज़्यादा कुछ खास बेनिफिट नहीं होता है इसका प्रयोग करने से। ठीक है, इसको खाने से ना तो शरीर में वृद्धि होती है, ना ही कोशिकाओं का निर्माण होता है। लेकिन अगर हम बात करें इसको उत्तम मध्यम प्रोटीन के साथ मिलाकर खाने का, तो इसमें कुछ हद तक जो कहा गया है प्रोटीन के साथ मिलाकर प्रयोग किया जाए तो ये उपयोगी बन सकता है। जैसे रोटी के साथ दूध के साथ रोटी मिला के खाएं तो ये उपयुक्त है। ठीक है, इस प्रोटीन का संपूरक मान कहते हैं, इसे प्रोटीन का संपूरक मान कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं सोर्स ऑफ प्रोटीन, क्या प्रोटीन के क्या क्या सोर्स हैं। ठीक है, प्रोटीन पशु जगत तथा वनस्पति जगत दोनों साधनों से प्राप्त होता है, जैसे अनाज, दालें, नट्स व तेल, बीज, अंडा, ताजा दूध, मछली, मांस, यकृत, मटर, सेम इत्यादि जो है प्रोटीन के स्रोत हैं। प्रोटीन के कार्य, फंक्शन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन के शरीर के लिए उपयोगिता एवं आवश्यकता प्राणी को भ्रूण अवस्था से ही प्रारंभ हो जाती है। जब बच्चा भ्रूण अवस्था में रहता है तब से उसको प्रोटीन की आवश्यकता बहुत ज़्यादा यहाँ पे कहा जाता है प्रारंभ हो जाती है। जब तक शरीर रहता है, शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए उपयोगी। शरीर की वृद्धि एवं विकास के लिए प्रोटीन का महत्वपूर्ण स्थान है। जैसे कि भ्रूण अवस्था, जैसे जैसे शरीर का भ्रूण अवस्था में निर्माण होता है, विकास होता है, वैसे वैसे क्या होती है यहाँ पे प्रोटीन की मात्रा भी आवश्यक हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है प्रोटीन के स्रोत तक हम लोग जो है पढ़े आज इस वीडियो में। बाकी जो इम्पोर्टेंस पॉइंट्स हैं वो हम लोग अगले आगे की और वीडियो में देखेंगे। ठीक है, फिलहाल हम लोग इसके साथ साथ मैंने बताया था कि हम लोग एक सब्जेक्ट करते चलेंगे, साथ ही साथ कुछ इम्पोर्टेंट जो है जी के कवर करेंगे, झारखंड का और इंडिया का, तो वो हम लोग कुछ देख लेते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं इंडिया का जी के। तो इसमें किस काल में नालंदा शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था, तो ये बौद्ध काल में जो है नालंदा शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था। ठीक, स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे, अब्दुल कलाम आजाद जो थे स्वतंत्र भारत के प्रमुख शिक्षा मंत्री थे। राष्ट्रीय जैविक उर्वरक विकास केंद्र गाजियाबाद में उपस्थित है। तंबाकू का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता देश कौन सा है, चीन। आलू का जन्म कहाँ, अगर बात करें जन्म स्थान पेरू को माना जाता है। 17वीं शताब्दी में किसके द्वारा भारत में आलू लाया गया था, तो पुर्तगालियों के द्वारा जो है भारत में आलू लाया गया था। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। जीके को करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये सीटेट जेटेट में तो काम आपका आने वाला है, साथ ही अदर एग्जाम में भी बहुत ही हेल्पफुल होगा।
अब हम बात करेंगे झारखंड जीके का। घेरे के बाहर के रचनाकार कौन थे? द्वारिका प्रसाद जो थे, ठीक है, वो घेरे के बाहर के रचनाकार थे। झारखंड में उर्वरक का प्रथम अगर कारखाना की बात करें तो वो कहाँ स्थापित की गई है? सिंदरी में। खरवर आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? भागीरथ मांझी। मालतो भाषा किस जनजाति से संबंधित है? तो ये माल पहाड़िया भाषा से जो है, जनजाति से जो है संबंधित है, मालतो भाषा, ठीक है। मालतो भाषा माल पहाड़िया जनजाति से संबंधित है। माल पहाड़िया जो है वो अपनी बोलचाल में मालतो भाषा का प्रयोग करते हैं, ठीक। किस काल में लावा निस्सारण से राजमहल पहाड़ी का निर्माण हुआ था? राजमहल पहाड़ी जो है वो झारखंड के राजमहल क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। और इसका बोलता है लावा बोल मतलब यहाँ दिया गया है, किस काल में लावा निस्सारण के द्वारा इसका निर्माण किया गया था? तो जुरासिक काल में हुआ था, ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं झारखंड जी के। झारखंड में मिट्टी के कितने प्रकार पाए जाते हैं? तो 6 प्रकार जो है झारखंड में मिट्टी के पाए जाते हैं, ठीक। गोंड जनजाति में पाई जाने वाली नरबलि प्रथा को क्या कहा जाता है? मरियाहा प्रथा। मलेर किस जनजाति का दूसरा नाम है? सोरिया पहाड़िया का नाम मलेर, अगर बात करें सोरिया पहाड़िया का ही नाम मलेर जनजाति का दूसरा नाम है। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये जलगोड़ा क्षेत्र में स्थित है, केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग इंडिया जी के। अब हम लोग थोड़ा इंडिया का देखते हैं। ध्वनि की प्रबलता का मात्रक डेसिबल होता है, ठीक। अस्थि से अस्थि के जोड़ को लिगामेंट्स कहा जाता है। भारत का सबसे साक्षरता वाला देश कौन सा है? केरल है, जहाँ साक्षरता दर बहुत अधिक है। महात्मा गांधी ने किस शिक्षा व्यवस्था का समर्थन किया था? मूलभूत शिक्षा का। प्रौढ़ शिक्षा के लिए जो आयु वर्ग निर्धारित किया गया है वह है 15 से 35 वर्ष, ठीक। अब थोड़ा हम लोग इंडिया का फिर से देखते हैं। चींटी एवं बिच्छू के डंक में किस अम्ल के पाए जाने से मनुष्य को काटने पर दर्द होता है? क्लोरोटॉक्सिन। क्लोरोटॉक्सिन अम्ल रहता है चींटी और बिच्छू के डंक में, जिसके काटने से जो है तुरंत दर्द होता है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा होता है। क्लोरोटॉक्सिन अम्ल है, याद रखिएगा इसको। गोबर गैस, प्राकृतिक गैस, बायोगैस एवं सेप्टिक टैंक से निकलने वाले गैसों के मिश्रण में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? तो मीथेन CH4। कौन सा हार्मोन पौधों की वृद्धि को नियंत्रित करता है? ऑक्सिन, ठीक है, ऑक्सिन। मनुष्य की शिशु अवस्था में 20 दांतें निकलते हैं, जिन्हें दूध के दांत मिल्क टिथ के नाम से जाना जाता है, ठीक। तो ये थे हमारे आज के जो थे मेन पॉइंट्स फूड चैप्टर के और कुछ जीके पोर्शन को जो हम लोगों ने कवर किया इस वीडियो में। पसंद आए वीडियो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, ठीक है, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। डेली के अपडेट्स आपको मिलेंगे टाइम से, ठीक है, और क्लासेस ज्वाइन जरूर करें, लाइव हो या रिकॉर्डेड जरूर देखें, जिससे आपको बेनिफिट मिलेगा एग्ज़ाम में। हमारी तरफ से जो है आपको सीटेट जेटेट पीटी और मेंस की तैयारी अच्छी तरीके से कराई जा रही है, ठीक है। चलिए, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।